उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर के सांसद भाई रविकिशन जी, उपस्थित युवा खिलाड़ियों, कोचेस, अभिभावकगण और साथियों, सबसे पहले मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। मैं खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हारे नहीं हैं, आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जन किया है, अनुभव प्राप्त किया है और यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। मेरे युवा साथियों, मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में कुश्ती, कबड्डी, हॉकी जैसे खेलों के साथ साथ चित्रकारी, लोकगीत, लोक नृत्य और तबला, बांसुरी आदि के कलाकारों ने भी भाग लिया है। ये एक बहुत ही सुंदर, सराहनीय और प्रेरणा देने वाली पहल है। प्रतिभा चाहे खेल की हो या फिर कला संगीत की, उसकी स्पिरिट और उसकी एनर्जी एक जैसी ही होती है। खासकर जो हमारी भारतीय विधाएं हैं, जो लोक विधाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी भी हम सब पर साझी जिम्मेवारी है। रविकिशन जी खुद तो इतने प्रतिभावान कलाकार है ही, इसलिए स्वाभाविक है वो कला की अहमियत को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। मैं इस आयोजन के लिए रविकिशन जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में सांसद खेल महाकुंभ में ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है। मैं मानता हूं कि अगर भारत को दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है। खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर निरंतर खेल प्रतियोगिता होती रहे। लोकसभा स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को तो निखारती ही है, साथ ही पूरे क्षेत्र के खिलाड़ियों के मोरल को भी बूस्ट करती है। आप देखिए, इससे पहले जब गोरखपुर में खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें करीब 18-20 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बार यह संख्या बढ़कर करीब 24-25 हजार हो गई है। इनमें से करीब 9 हजार तो मेरी बेटियां हैं। आप में से हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो किसी छोटे गांव से आए हैं, छोटे कस्बे से आए हैं। ये दिखाता है कि सांसद खेल प्रतियोगिताएं
किस तरह युवा खिलाड़ियों को नए अवसर देने का नया प्लेटफॉर्म बन रही है। साथियों, किशोर अवस्था में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे किसी ऊंची चीज से किसी पेड़ की डाल को पकड़ करके लटकने लगते हैं कि उनकी लंबाई थोड़ी और बढ़ जाए। यानी उम्र कोई भी हो, फिट रहने की एक भीतरी इच्छा हर किसी के मन में रहती है। हमारे यहां एक समय था जब गांव देहात में होने वाले मेलों में खेलकूद भी खूब होते थे, अखाड़ों में भी भांति भांति के खेल कराए जाते थे। लेकिन समय बदला और ये सारी पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कम होने लगी। हालात तो ये भी हो गए कि स्कूलों में जो पीटी के पीरियड होते थे उन्हें भी टाइम पास का पीरियड माना जाने लगा। ऐसी सोच की वजह से देश ने अपनी 3-4 पीढ़ियां गवा दी। ना भारत में खेल सुविधाएं बढ़ी और ना ही नई खेल व्यवस्थाओं ने आकार लिया। आप लोग जो टीवी पर तमाम तरह के टैलेंट हंट कार्यक्रम देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि उसमें कितने ही बच्चे छोटे छोटे शहरों के होते हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारा गुप्त और सुप्त सामर्थ्य है जो बाहर आने के लिए लालायित है। खेल की दुनिया में ऐसे सामर्थ्य को सामने लाने में सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। आज देश में भाजपा के सैकड़ों सांसद ऐसे खेल महाकुंभों का आयोजन करा रहे हैं। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इन प्रतियोगिताओं को से आगे बढ़कर कई खिलाड़ी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। आप में से ही ऐसी प्रतिभाएं भी निकलेगी जो आगे जाकर ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश के लिए मेडल जीतेगी। इसलिए मैं सांसद खेल महाकुंभ को उस मजबूत नींव की तरह मानता हूं जिस पर भविष्य की बहुत भव्य इमारत का निर्माण होने जा रहा है। साथियों, खेल महाकुंभ जैसे आयोजन के साथ ही आज देश का जोर छोटे शहरों में स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं के निर्माण का भी है। गोरखपुर का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका एक बड़ा उदाहरण है। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए भी 100 से ज्यादा खेल मैदान बनाए गए हैं। मुझे बताया गया है कि चौरी चौरा में ग्रामीण मिनी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत दूसरी खेल सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब देश एक होलिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजट में इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 2014 की तुलना में खेल मंत्रालय का बजट अब करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। आज देश में अनेकों आधुनिक स्टेडियम बन रहे हैं। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपयों की मदद दी जा रही है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया और योग जैसे अभियान भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे पोषण के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है। ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अब देश ने इन्हें श्री अन्न की पहचान दी है।
आप सभी को इन अभियानों से जुड़ना है, देश के इस मिशन को लीड करना है। आज ओलंपिक्स से लेकर दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स तक जिस तरह भारत के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, उस लीगेसी को आप जैसे युवा खिलाड़ी ही आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसी तरह चमकेंगे और अपनी सफलताओं की चमक से देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।